तो यार इनको पकड़ने से पहले आपको एक गुड न्यूज दूं कि उत्तरी अंडा आ गया शिराजी का, यकीन करो अल्लाह की कसम आ गया। कहां वो अंडा? माशाल्लाह यार, चूजों का असर गए अल्लाह करे। इसको जाके उसके अंदर रखो, जाओ 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 जाओ। क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खैर आफिया से होंगे, खुश होंगे। तो यार आज के दिन करते हैं अल्लाह ताला की रहमत फजल के साथ शुरू। इनको जाके खोल दो। हाँ, वेरी गुड। अब दाना डालूं थोड़ा सा क्या? भैया माती ऐसे बैठी हुई जैसे अंडा दिया वो मारेगी। वो देखो नहीं करो, चूजों का असर हो गया, चूजे गए। असर हो रहा है। इसको देखो ना, इसको हटा के आराम। वाह वाह वाह। लेकिन फिर क्या अंडा देने वाली है ये तिंके तिंके, हटो ये तिंके, उठा के इसके घोंसले मेरे को पूरे नहीं आधे। फिर इसको अकेले बंद कर देता। आ जाओ। तो यार जैसा कि आप सबने देखा, मादी शिराजी की जो है वो अंडे देने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि वो जिसके जो भी पास जा रहा है तो उसको मार रही है। तो ये तो एक गुड न्यूज़ आ गई। चूज़ों को हमने उधर बंद कर दिया था, चल के उनकी सूरत हाल देखते हैं आज। चूज़े भी हमारे माशाल्लाह से फिट फाट हैं, बम्बाट हैं, और वो कह रहे हैं कि यार हमें बाहर निकालो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते यार, इनको बाहर नहीं निकाल सकते। आज सबके पेयर एक साथ बैठे हुए हैं दोस्तों, दोनों डायमंड डब साथ बैठी हुई हैं, दोनों फिंचेस साथ बैठी हुई हैं, दोनों बजीज साथ बैठे हुए हैं, खुमरे अलग अलग बैठे हुए हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसे किया हुआ है। तो यार हसन मैं क्या कहता हूँ, आज इनके लिए मुर्गा ले आएं। दोस्तों मेरे दिमाग में अभी अभी आइडिया है कि हमें आज अपने चिक्स के लिए जो है वो मुर्गा लाना चाहिए, ताकि इनकी ब्रीड हो और हमारे चिक्स जो हैं वो बढ़ें। तो मुर्गा ले आते हैं इनके लिए दोस्तों, एक अच्छा सा, और इनके बराबर इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो शायद मसला हो ब्रीड करने में इन लोगों को। आई थिंक इनको यार बाहर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। भागो भागो भागो, छोड़ दो। तो यार देर नहीं करते, मैं और हसन जाते हैं और इनके लिए जो है हम अपना शिकरा लेके आते हैं। जब भी मुर्गा आता है तो मैं उसको शिकरा कहता था, तो मुर्गा लेके आते हैं दोस्तों इनके लिए, आई मीन शिकरा लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यार मैं और हसन कब से मुर्गा ढूंढ रहे हैं, हमें किसी बर्ड शॉप पे मुर्गा ही नहीं मिल रहा यार। पहले वाली पे गए, वहाँ पर भी नहीं था दोस्तों, तो अभी एक लास्ट है वहाँ पर मिल गया, तो चलते हैं वहाँ पर। वो जो कह रहे थे आखिरी दुकान उसमें देख के रहा था। कौन सी आखिरी दुकान? मैंने तो कोई नहीं कहा, चलो एक विजिट करके आते हैं। तो दोस्तों हसन और मैंने जो है मुर्गा ले लिया है, और अभी चलते हैं हम फटाफट से सेटअप पे और इसे अपने साथियों के साथ छोड़ते हैं। सब ऐसे देख के जा रहे हैं मुझे कि क्या कर रहा है बंदा ये। हसन और मैं जो है वो शिकरा लेकर आ चुके हैं, और हसन आ जाओ यार जल्दी से दिखा दें हम अपने सब्सक्राइबर को। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा शिकरा है दोस्तों। 1 2 3 तो चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा शिकरा लाए हैं हम इनके लिए, अपनी मुर्गियों के लिए, और प्योर असील, असील नहीं है ये, देसी भी है। बहरहाल जो भी हो आप सब इसे देख लें, और इसकी जो ब्रीड है वो हमें लाजमी बताइएगा, वेट रहेगा, और बहुत ही प्यारा है और प्योर मुर्गा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, प्योर मुर्गे की निशानी होती है जब उसको कुछ हो रहा भाई से। हाँ तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था, डरा दिया इसने। प्योर मुर्गे की निशानी ये होती है कि उसकी चोंच से पकड़ो तो वो मारता है, तो अब भी इसको मुर्गियों के साथ छोड़ते हैं यार, दुआ करते हैं कि ये इसे मारे ना। तो आ जाए मुर्गिया का है, इधर से पकड़ नहीं सकते यार, इधर से कबूतर है, इसको इधर वाशरूम में लेके जाओ। चिक्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो यार इनको पकड़ने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ दूँ कि उत्तरी अंडा आ गया शिराजी का, यकीन करो अल्लाह की कसम आ गया। कहाँ वो अंडा? माशाल्लाह यार, चूजों का असर गए अल्लाह करे। इसको जाके उसके अंदर रखो, जाओ 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 जाओ। क्या करूं? उस अंडे को उसके ऊपर रख दो ना घोंसले के ऊपर, आराम से देखो तरीके से जाओ। अंडा दे दिया उसका, रख दो। अंडा भी टूट गया यार। टूट गया? अबे यार फिर भी रख देते हैं, क्या पता हो। नहीं नहीं नहीं, टूटा हुआ अंडा नहीं आता, इधर दो यार। फिर एक ही अंडा देगी अगली दफा भी? दो अंडे देगी। हाँ तो अब एक देगी, दो देते हैं। अब एक तो टूट गया, अब एक देगी, एक पे तो नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी एक पे, इसलिए इसको रख दो ताकि एक बैठ जाए ना।
चलो दोस्तों, नसीब की बात होती है सारी। कैसे टूटा यार, तुमने वो सही नहीं रखा था क्या? मैंने तो रखा था। देखो दूसरा यहीं कहीं तो नहीं पड़ा हुआ? दूसरा नहीं। बे यार दोस्तों, बैड सीन हो गया यार। अंडा टूटना नहीं चाहिए था। कितने अरसे के बाद आ रहा था अंडा। शिट यार, सही से इसकी प्रॉपर एक नॉर्मल खुली जगह बना। हाँ यार, मजा भी आया लेकिन दुख भी हुआ है ना। बहुत दुख दे दिया इस चीज की खुशी, दुख इस चीज की के टूट गया। जो नसीब में लिखा था वो मिल गया, अंडा टूट गया। ले ले, एक को डाल दो जी। एक को पकड़ लिया हमने दोस्तों और डाल रहे हैं उसके पास। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, देख रहा है ये, देख रहा है, रुक जा, वेट करो थोड़ा। चलो जी, तीसरा चूजा भी हमने पकड़ लिया, लेकिन हमारा शिकरा जो है वो उनको मार रहा है। ये देखें, ये प्यार कर रहा है। ये अभी इनका प्यार बन जाएगा किसी न किसी के साथ, एक साथ। लेकिन यार इनको बड़े वाले में ही रहने देते हैं। यार ये सारा ग्रास खा जाएंगे हसन, और ये पत्ते भी, बस ऊपर वाले रहेंगे। पत्ते भी खाएंगी ना, वही तो बात है, प्लांट्स भी खाएंगी। कर लेंगे थोड़ी देर, हाँ ऐसा कर। तो दोस्तों यहाँ पर सामने मैंने डंडी भी लगा दी है ताकि अंडा आप गिरे ना जो दूसरा है, और आप बताइएगा मुझे कि वो दूसरे अंडे पे आप बैठेगी टूटे हुए अंडे पे या नहीं बैठेगी, ताकि हम वक्त ज़ाया ना करें उसके ऊपर। शिकरे की दोस्ती हो गया दोस्तों हमारी मुर्गियों के साथ। इंशाल्लाह इनके जल्दी पेयर बने यार। और अभी मुर्गियाँ हैं तो छोटी, हमारी महीना लग सकता है, महीना डेढ़ महीना, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या कर रहे हो तुम? माशाल्लाह से दोस्तों दोनों शिराजी जो हैं वो अपने अंडे के ऊपर बैठ चुके हैं, लेकिन यार अंडा इनका टूट गया, इस बात का अफसोस है, वरना इनकी सारी मेहनत जाया जाएगी। आप सब लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि इनको यहाँ पर अंडे को तोड़ देना चाहिए या रखे रहना चाहिए, ये आप लाजमी सजेस्ट कीजिएगा, ये कुछ नहीं करो। और एक मसला हमें ये हो रहा है दोस्तों, जब से हम मुर्गा लाए हैं ना तो मुर्गा यूनाफॉल को भी मार रहा है, हमारे उन चिक्स को भी मार रहा है। हाँ, एक चोंच पे इस यूनाफॉल को उसने उठा लिया, तो अब ये मसला हो रहा है। हमने चिक्स को तो उधर बंद कर दिया हमारे मुर्गियाँ जो हैं, लेकिन ये मुर्गा है तो शिकरा फिर, लेकिन काम भी शिकरों वाले ही कर रहा है, किसी को अपने साथ नहीं आने दे रहा। उनको कम मारता है, लेकिन यूनाफॉल को जो है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से मार रहा है। अब ये एक छोटा सा मसला है, इसका हल क्या होगा यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब इसको कहाँ रखें? यही तो मसला है यार, चिक्स को बाहर छोड़ दें दोस्तों तो वो प्लांट्स खाते हैं, और बंद कर देते हैं तो इनका पेयर नहीं लगेगा। तो अब थोड़ी सी टेंशन है, सही क्या करें सर? अब एक पिंजरा एक और बनाना तो पड़ेगा। एक पिंजरा और ले आते हैं ना चिक्स के लिए। तो यार इनका एक केज लाना पड़ेगा हमें चिकन्स के लिए, ताकि ये भी आराम से रहें और बाकी परिंदे भी हमारे डिस्टर्ब ना हों। तो इंशाल्लाह ये करते हैं दोस्तों। और मेरे ख्याल से ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। आज एक बैड न्यूज़ भी थी, अंडा आया गुड न्यूज़, अंडा टूटा बैड न्यूज़, और हमने शिकरा भी ले लिया अपने चिकन्स के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए मुझको दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।